गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल अप्रोचेस। इससे पहले कंटिन्यूटी के लिए पढ़े थे, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकल्यता के लिए पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ग्राफिकल अप्रोचेस या ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए और एक एग्जैक्टली पॉइंट हो या कोई फंक्शन ही दिया रहेगा उससे हम लोग पॉइंट को मेंशन करना जानते हैं। ठीक, तो लीजिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा कब? इफ एंड ओनली इफ कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, x इज इक्वल टू a पॉइंट के लेफ्ट साइड से एवं राइट साइड से कहता है फंक्शन f ऑफ x x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x x इज इक्वल टू ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से खींचा गया टेंजेंट, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंजेंट खींचा गया, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचा गया टेंजेंट मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा खींचा गया स्ट्रेट लाइन हो। देखो कहता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड से डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से एवं राइट साइड से क्या हो, टेंजेंट यानी कि खींचा गया टेंजेंट यानी कि एक स्पर्श रेखा वह एक स्ट्रेट लाइन में हो तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल। तो आइए y = f of x का एक ग्राफ में तुरंत हम लोग अप्रोच करते हैं। तो देखिए इसको मिटाते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल अप्रोचेस। ठीक, तो देखिए कहता है जैसे y is equal to f of x कोई फंक्शन है, x is equal to a कोई पॉइंट है जिसमें कहता है यह लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्या होगा, एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचा गया हुआ स्ट्रेट लाइन में हो तो डिफरेंशिएबल होगा। तो सपोज दैट देख कोई f डैश x y y इस तरह से आप लोग बिंदु को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो देखिए यह क्या है, इसका मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु, मूल बिंदु का नाम क्या होता है? 0.0। तो यह कहता है x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, ठीक x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर यानी कि पॉजिटिव ले रहा है, उस केस में ग्राफ यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन सपोज लेट यानी कि यहाँ पर 0 और 1 के बीच में लेना पड़ेगा। ठीक, या आप लोग उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, या इन जी टेप से ऐसे मिला के ग्राफ खींचा जा सकता है स्ट्रेट में, नहीं तो अभी मार्कर से खींचेंगे तो यहाँ ऐसे करके खींचा जा सकता है, ऐसे मिला लीजिए। ठीक, और यह इसको डॉटेड लाइन इसको मिलाइएगा और कंपास से जो मिलाना है इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है PLCR। ठीक, शॉर्ट में तो इस तरह से आप लोग हम लोग ऐसे डॉटेड भी कर रहे हैं लेकिन आपको कंपास से रहते ऐसे करके इस लाइन को मिलाते हुए ऐसे
ठीक, तो आप इसको हम लोग मिला देंगे, जो पॉइंट जो मेंशन किया रहता है उस पॉइंट को हर वक्त ध्यान रखिएगा, अगर मिलाइएगा किसी बिंदु से या किसी लाइन से तो उसमें डॉटेड लाइन से होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह और कोई भी पॉइंट को अगले पॉइंट में मेंशन किया जाता है, जैसे आप लोग बात करेंगे, तो जैसे अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ। तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल सेबल एट x इज इक्वल टू a, ठीक, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। ठीक, तो यह आप लोग को याद रखना है। तो आइए एक और ग्राफ मॉड ऑफ x का जो ग्राफ नीचे देंगे, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ने जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x रहता है उस केस में खींच लेते हैं। अगर उसमें कोई पॉइंट की जिक्र कर दिया जाए उस केस में देखिए अधिकतर को वो गलत आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल होता है मॉड ऑफ x का ग्राफ, लेकिन वो हम मानते हैं, लेकिन किसी बिंदु पर दिया गया ग्राफ वो कभी भी रोटेट कर सकता है, डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट पर जिक्र करता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल अप्रोचेस इसका देखिए, जैसे सपोज दैट फर्स्ट नोट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ सॉरी मैं अभी क्लियर किया f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक, एट x इज इक्वल टू सपोज दैट 0 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, जैसे मॉड ऑफ x को आप लोग डिफाइन करते हैं, देखिए मॉड ऑफ x को जब डिफाइन करते हैं, जब x ग्रेटर देन लेता है वैल्यू तो यानी कि पॉजिटिव टर्म में x लेता है, जब x इक्वल जाता है तो क्या आता है 0 आता है, जब x लेस देन यानी कि नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन तो माइनस x आता है वैल्यू। इस तरह से आप लोग मॉड ऑफ x को डिफाइन करना अच्छी तरह से जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार आओ देख लो। ठीक, तो देखो, तो इससे पहले हम लोग तो मॉड ऑफ x का ग्राफ जो खींचेंगे वो x इज इक्वल टू सिर्फ एग्जैक्टली पॉइंट पे कह दिया, अगर इस केस में या पॉइंट का मेंशन नहीं कर रहा था तो डायरेक्ट अभी जैसे हम लोग ने मेंशन रख दिया आपको क्या किया डिफाइन किया मॉड को, तो उस तरह से जब ये मॉड डिफाइंड हो गया उस केस में हम लोग तुरंत चेक कर सकते हैं या ग्राफ किस तरह से अप्रोचेज है, डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, इस केस में आप लोग तुरंत चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट का मेंशन कर देता है तो ब्रांडर मिस्टेक हो जाता है। देखिए आइए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं लेट भी कर सकते हैं y is equal to f of x is equal to mod of x, ठीक, f of x का वैल्यू mod of x है, तो x is equal to a पॉइंट पर टिक लिए हैं, जैसे कोई लाइन ली y का डायरेक्शन, देखिए इस केस में x एक्सिस x y y डैश, ठीक, यह जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक, HP होता है या VP होता है, वर्टिकल होता है प्लेन, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। देखिए अभी हम लोग x y x x डैश का जिक्र करते हैं और जस्ट अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे तो यह इस पॉइंट को दर्शाना ही भूल जाएंगे। ठीक, जस्ट एक लाइन को खींच के छोड़ दिया जाता है कि आप लोग दर्शा दीजिएगा HP VP हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, ठीक, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता, बहुत लोगों को पता रहता है यह लाइन को क्या कहेंगे, यह हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ या जो हुआ वर्टिकल लाइन हुआ, तो कभी कह देता है तो हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल, HP यानी कि VP यानी कि बोथ आर सेम जैसे इक्वल कहता है, तो उस केस में कैसे यानी कि एक जैसे पैरेलल आता है उस केस में दोनों के पैरेलल कैसे होगा, तो जैसे आप लोग एक कॉपी लीजिए सपोज दैट एक कॉपी, तो इस केस में आप लोग को समझने के लिए जैसे एक ऐसे है, ठीक, या कॉपी ऐसे, इस केस में जब इसके लिए देखेंगे तो सबसे पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए क्या देख रहे हैं पैरेलल यानी कि समांतर पैरेलल देख रहे हैं, तो इस केस में ऐसे हो तो इस केस में जस्ट इसके पैरेलल हो जाएगा, और वर्टिकल क्या हुआ वर्टिकल ये हुआ, तो इसके केस में भी देखेंगे तो क्या क्या हो रहा है यानी कि पैरेलल हो रहा है, तो इस केस में आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इस केस में ऐसे रखेंगे तो यह वर्टिकल के जस्ट इसी के अप्रोचेस
हॉरिजॉन्टल में भी क्या दिखता है, पैरेलल दिखता है। तो पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ आर पैरेलल, ठीक। तो कभी कभी अलग अलग केस में, इसके तीन केस में, दो केस हर एक बच्चे को पता चल जाता है, और जिसका इसका जो रहता है परपेंडिकुलर और जैसे पैरेलल में पूछा जाता है, लंबवत और समांतर में। तो लंबवत और समांतर अलग अलग अगर पूछा जाए तो उस केस में आप लोग तुरंत डिफाइन कर सकते हैं। एक ही कह दिया पैरेलल एंड परपेंडिकुलर आर बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो इस केस में तुरंत देख सकते हैं। या कह दिया पैरेलल आर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो उस केस में क्या कीजिएगा, तो इस केस में चेक करना पड़ेगा। जैसे एक इंची टाइप को रखिए, ठीक। तो इस केस में जैसे हम लोग कॉपी का एग्जाम्पल एक लिए कॉपी को बताए, तो इस केस में देखेंगे तो यह यानी कि वर्टिकल के लिए भी पैरेलल दिख रहेगा, और जस्ट इसके जैसे जमीन पे नीचे देखिए नीपे क्या है हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए क्या रहेगा यह समांतर होगा यानी कि पैरेलल होगा, और जस्ट इसके बोर्ड जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा वर्टिकल के लिए भी पैरेलल हो जाएगा समांतर। इस केस में आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, जैसे एफ ऑफ एक्स का मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ मूल बिंदु से बस तिरछी नजरिया कर याद रखिए इस तरह से, ठीक दोनों ने। तो यह हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन की मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, क्या हुआ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब जिक्र किया x इज इक्वल टू 0.8 की एग्जैक्टली मूल बिंदु पर, तो दूसरा ग्राफ किधर जाएगा जस्ट .89 कोई बिंदु का नहीं है, ठीक। तो इस केस में देखिए तो क्या है कि दोनों ग्राफ यानी किस तरह दिख रहा है, अगर यह बिंदु कोई एग्जैक्टली रहता जीरो पर अगले पॉइंट पर, कोई कटेड बिंदु करता वह टेंजेंट एक रोटेट बनता, तो उस केस में क्या होता डिफरेंशिएबल, यह नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0.8, ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू 0.8 पर क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल। सपोज दैट जैसे आप लोग को एक बुक का एक एग्जांपल में क्वेश्चन था, हाँ देखिए एफ ऑफ एक्स यानी कि मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ पूछा जाए, यानी कि कोई पॉइंट पे नहीं दिया हुआ, एक मिनट देख लेते हैं। तो देखिए अगर कोई मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ तो आप लोग ऑलरेडी पता है, ठीक। साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी पता है, अगर कोई पॉइंट पे मेंशन कर दिया जाए, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जैसे सपोज पाई दे दिया जाए, साइन 180 डिग्री वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, ठीक। तो यानी कि मॉड यानी कि रेडियन में वैल्यू लिया है, तो रेडियन में वैल्यू लिया था, लेकिन हम लोग चेक कर जा सकते हैं, तो मॉडुलस फंक्शन है तो क्या साइन 180 डिग्री पाई रखेंगे तो जीरो, जीरो क्या जीरो देगा, जीरो फंक्शन में यानी कि रोटेट करता है उस फंक्शन के लिए क्या देगा नॉन डिफरेंशिएबल देगा, इस केस में आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ग्राफ की बात हो जाए इस तरह से, ठीक, इस केस में आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वह मूल बिंदु से पास करते हैं, ठीक। यहाँ पर एक थोड़ा कोनिया बन गया, स्ट्रेट भी होना चाहिए ऐसे, ठीक। मार्कर से हाथ घूम जाते हैं, ठीक। तो आप लोग को समझना सबसे मेंशन रखता है सबसे पहले। तो देखिए यह जो एक टेंजेंट की स्ट्रेट लाइन होगा, इस पॉइंट से मेंशन हुआ ऐसा, ठीक। और यही है जो बिंदु यहाँ के नीचे वाला एक पॉइंट मिलेगा, ऐसे मिला सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप लोग एक बिंदु कर सकते हैं, ठीक। और यह जो बिंदु बच्चा डॉटेड लाइन या कोई बिंदु का मेंशन करता है, ठीक, पाई माइनस टू पाई सॉरी पॉजिटिव टू पाई थ्री पाई ऐसे करके माइनस फाइव माइनस टू फाइव अगले बिंदु तक आप लोग जा सकते हैं।
ठीक। तो इस केस में चेक किया जाए, जैसे नीचे के लिए भी होगा ऐसे डॉट इस तरह से, और यह क्या देगा नॉन डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली। अगर फाइनल खींचा जाए तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे फाइनल एक ग्राफ बस मोड ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल, जैसे एक्स इज इक्वल टू नॉट पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू पाई पर, नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अगर मॉडुलस फंक्शन में सिर्फ साइन का ग्राफ रहता उस केस में डिफरेंशिएबल होगा, पर पॉइंट पे जिक्र किया जाएगा उस केस में नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है f of x is equal to 2 the power यानी कि x is equal to 2 x is equal to, सबसे पहले अभी हम लोग ने फंक्शन की बात किया था थ्योरी से ही y is equal to f of x, x is equal to a point पर यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्या हो एक स्ट्रेट लाइन एक टेंजेंट है। तो देखिए सपोज दैट कोई फंक्शन इसको लेट कर सकते हैं y के डेरिवेटिव में, देखिए y less 0 टू कोई पॉइंट मेंशन कर लीजिए और यह एक स्ट्रेट लाइन से पास करेगा यानी कि बिंदु ठीक इस तरह से जाएगा। तो यह यहाँ पर मिलना इसको मिला दीजिए ठीक। तो अब यह जो मिलेगा यह 2 पर रोटेट कर रहा है तो इसको इस रेखा को काटते हुए पास करेगी देखिए ठीक, इस बिंदु पर जो ये नियामक होगा यही इसका छायांकित भाग का दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको जोड़ सकते हैं जैसे आप लोग निकालते हैं क्षेत्रफल के टेंथ में ठीक। y is equal to f of x f to the power x x is equal to 2 point पर है, यह ग्राफ जो हुआ एग्जैक्टली जो रोटेट दो पॉइंट को क्या बोले कि काटता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से ठीक। तो इस केस में क्या कहेंगे डिफरेंशिएबल एट x is equal to 2 point पर, डिफरेंशिएबल एट x is equal to 2 point ठीक। फंक्शन f of x, फंक्शन f of x इज डिफरेंशिएबल वेल एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर। ग्राफिकल अप्रोच या ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा होगा ना, आई होप आप लोग को बहुत अच्छी से तरह से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।